वर्ष 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में विस्फोटक पदार्थों तथा रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण वृहद अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें अग्निशमन कार्य करते हुए अग्निशमन के 66 अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसी समय से 14 अप्रैल को उनकी शहादत पर प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यपरायणता के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आग से बचने की जानकारी दी जाती है, जिसके तहत रविवार को गोलघर स्थित अग्निशमन केंद्र पर स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अग्निकांड के दिवंगत अधिकारियों को 2 मिनट का मौन रखकर तथा पुष्प चक्र समर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CFO डीके सिंह और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आज सभी को पता है कि आज हम एनुअल डे मनाते हैं अपना। माह अप्रैल वर्ष 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड में विस्फोटक पदार्थों और रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण बहुत बड़ी अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी। उस कांड में अग्निशमन कार्य करते हुए अग्निशमन के 66 अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तत्समय से 14 अप्रैल को उनकी शहादत पर प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य प्राणता के दौरान अपने प्राणों की आहुति करने वाले कर्मियों के यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद। राइट सर, अभी फोन कर रहे बाबू, अभी फोन। हेलो, 14 अप्रैल से हम लोग का 20 अप्रैल तक एक सप्ताह का ये फायर सप्ताह मनाते हैं हम लोग। आज 14 को केवल हम लोग जो स्मृति दिवस है, जो शहीद हुए हैं उनके याद में हम लोग मौन रखकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम सिर्फ इतने होता है। कल से हम लोग का अभियान चलता है प्रचार प्रसार का। कल से हम लोग सभी अलग अलग दिनों में, कभी शहरों में है, गांव में है, और उनको जाके पंपलेट बांटना, उनको रैली निकालना और उनको जागरूक करना, और शहरी क्षेत्रों का के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के आगों के लिए, पंडाल के लिए क्या क्या करने हैं, उस अलग अलग टाइप के पंपलेट के माध्यम से उनको वितरण करना और जागरूक करना और बताना समझाना, जिससे कि आग लगने ही ना पाए।
इस समय अप्रैल और माह में अग्निकांडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादातर आग जो है किसी न किसी लापरवाही से लगती है। अगर उसको लापरवाही न हो और थोड़ा सावधानी बरती जाए तो अग्निकांड काफ़ी कम हो जाएंगे। इस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, हवाएं चलती रहती हैं, लोग बाहर आग फेंक देते हैं, बीड़ी पुआल जला देते हैं, कभी कभी लोग बगीचों में पत्ते जला देते हैं, तो इस तरीके से सावधानी लापर उसको पानी नहीं डालते, तो ये सब करने से ये सब चीज़ें उसमें हैं, यही हम लोग जागरूक करने का अभियान चलेगा जिससे कि आपकी घटनाएं कम हो पाए। जैसा कि आपको पता ही है कि 1944 में एक बड़ी भीषण दुर्घटना हुई थी बॉम्बे डॉक यार्ड में, जिसकी स्मृति में अग्निशमन और फायर सुरक्षा जो महकमा है वो अपना शहीद दिवस सालाना आज की 14 अप्रैल को मनाता है। उसी क्रम में जो गोरखपुर का मेन हेडक्वार्टर है, फायर सर्विस हेडक्वार्टर, वहाँ पर आज हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो शहीद हैं जो सिविलियंस की जान बचाने में आग से जूझते हुए, पानी से जूझते हुए, कभी कोई और दुर्घटना में भी ये बिल्डिंग से गिर करके, कभी कुछ कोई किसी भी तरह से ये अपने जीवन को संकट में डालते हुए आम नागरिकों की रक्षा करते हैं। इनका बहुमूल्य योगदान है, जैसा कि हमें पता ही है इस समय गर्मी के सीज़न आ ही गया है और हमारे फायर फाइटर्स हमेशा चाक चौबंद हैं और अपनी पूरी तत्परता से, अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं।